व्यापारियों ने जीएसटी के जटिल प्रावधानों के विरोध में टीकमगढ़ किया बंद। प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टीकमगढ़ में जीएसटी के जटिल प्रावधानों के विरोध में प्रदेश व्यापी भारत बंद के समर्थन में विभिन्न व्यापारी संगठनों ने केट टीकमगढ़ के नेतृत्व में समस्त व्यापारिक संगठनों ने टीकमगढ़ बंद रखा। नगर में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण बाजार बंद रखा गया। बाजार बंद कराकर व्यापारी संगठनों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। बाजार बंद के दौरान चप्पे चप्पे पर एवं बाजार में बंद कराने घूम रहे व्यापारी संगठनों के पीछे भी पुलिस के वाहन घूमते रहे। बाजार बंद के दौरान कृषि उपज मंडी भी व्यापारियों ने बंद रखकर अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर कोई भी कारोबार आज नहीं किया गया। बंद के दौरान किराना कपड़ा बर्तन व्यापारी संगठनों का भी समर्थन रहा। आठ करोड़ व्यापारियों ने इस बंद को किया। क्यों बंद किया? भारत सरकार की जो जीएसटी में अभी तक 937 संशोधन किए हैं, इसमें कुछ संशोधन ऐसे किए गए हैं कि जिसमें व्यापारियों के खाते अटैच करेगी सरकार, व्यापारियों की प्रॉपर्टी अटैच करेगी सरकार। अगर किसी ने जीएसटी की रिटर्न, हमने किसी व्यापारी को माल बेचा तो उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी तो उसके लिए हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो सरकार ने जो इस तरह के 937 संशोधन किए हैं, इन संशोधनों को सरल बजाएं। तो जिस समय जीएसटी सरकार ने लागू किया था, उन्होंने ये बोला था कि हम पेपरलेस प्रक्रिया करें, जबकि जीएसटी आज के समय में इतना कठिन हो गया कि छोटे व्यापारी को तो शायद मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी पूरी रिटर्न। अच्छा, आपके व्यापारी ये कौन कौन से संगठन? व्यापार के सारे संगठन, कपड़ा व्यापार, रेडीमेड व्यापार, बर्तन व्यापार, किराना व्यापार, जनरल स्टोर, सोना चांदी, गल्ला दलन तलन व्यापार संघ ने मंडी को बंद किया है। अच्छा, पेट्रोल डीजल को लेकर? पेट्रोल डीजल को ये है कि सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल को जब आवश्यक वस्तु को जिस समय जीएसटी लागू किया गया था कि सारी चीजें एक देश एक टैक्स के रूप में शामिल किया गया, लेकिन पेट्रोल डीजल को सरकार ने आज तक जीएसटी में शामिल नहीं किया। आज पेट्रोल कितने ऊपर पहुंच गया, पेट्रोल पदार्थों से ही पूरा देश चल रहा है। प्लास्टिक के जितने आइटम है वो तेज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन तेज हो रही है, ट्रक ऑपरेटर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि तो जीएसटी की प्रक्रिया को एकदम सरल बनाया जाए, जिसमें आम व्यापारी जीएसटी की रिटर्न कम से कम खुद भर सके। आज बिना अकाउंटेंट बिना सीए के कोई रिटर्न नहीं। ठीक, थैंक यू। इसको लेकर शहर के व्यापारी वर्ग द्वारा जीएसटी के विरोध में अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद करी गई हैं और एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शहर में पर्याप्त बल लगाया हुआ है। हम लोग उसी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। दुकानें खुली हैं कि कुछ बंद हैं? आप देख रहे, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। लगभग 60-70% दुकानें लोगों ने अपनी स्वेच्छा से बंद करी हैं और अब शाम तक देखते हैं कैसे भी बनती है। व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है आज अपने शहर वाले टीकमगढ़ नगर के सभी व्यापारियों द्वारा, जो विभिन्न संगठनों का सभी के द्वारा आज जीएसटी कराधान प्रणाली के वर्तमान स्थिति